बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला वज़ाइफ़ में से आज का ये वजीफ़ा, जो बच्चे इम्तिहान एग्ज़ाम आ जाते हैं करीब में और परेशान होते हैं कि पढ़ाई भी कर रहे होते हैं लेकिन वो इस वजह से भी परेशान होते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम में कोई मुश्किल सवाल ना आ जाए, और फिर मुश्किल सवाल आ गए तो फिर उनके जवाब कहाँ से दे पाएंगे। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सारी सारी रात पढ़ते हैं लेकिन सुबह को जब उठते हैं तो फिर वैसे का वैसा हाफ़ा उनका, वो जो याद किया होता है वो भी भूल जाता है। और बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घर से याद करके जाते हैं, जैसे ही क्लासरूम में दाखिल होते हैं या जहाँ पेपर देना होता है वहाँ दाखिल होते हैं तो फिर उनको सारा मतलब भूल जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए याददाश्त के लिए, और साथ साथ में ये है कि इम्तिहान में जो भी इम्तिहान बच्चों का एग्ज़ाम होते हैं उसमें कामयाबी के लिए रोज़ाना या अलीमु 150 मरतबा वो बच्चा पढ़े या अलीमु। अगर बच्चा छोटा है नहीं पढ़ सकता तो माँ उसको किसी पानी पे पढ़ के दम करके दे सकती है। अगर वो बच्चा ठीक ठाक समझदार है वो खुद पढ़ सकता है, ये अल्लाह का नाम है, बड़ा आसान नाम है। या अलीमु 150 मरतबा रोज़ाना, 150 मरतबा इम्तिहान से 4-5 दिन पहले इसको शुरू करें, अगर सुबह शाम करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके हाफ़ज़े में भी अल्लाह पाक क़ुव्वत और बेहतरी फरमाएंगे, और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ आप याद करेंगे ना इंशाल्लाह वो याद रहेगी, वो भूलेगी नहीं, और इम्तिहानों में भी 100% कामयाबी अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे। रोज़ाना अगर हो सकता है, सुबह शाम हो सकता है इसको करें, वगरना रोज़ाना दिन में 1 मरतबा या अलीमु बिस्मिल्लाह पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 150 मरतबा करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उस बच्चे और उस बच्ची को इम्तिहानों में और वैसे भी सबक याद करने में अल्लाह पाक उनके हाफ़िज़े की बेहतरी फरमाएंगे और अल्लाह पाक उनको कामयाबी से नवाजेंगे जो भी इम्तिहान होगा।